हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाइयों मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा मेजर लीग सॉकर का, एसजे वर्सेस आरएसएलसी के बीच। आरएसएलसी आपको पता ही कितनी ज़बरदस्त टीम है और एसजे भी कम नहीं है। तो 6 घंटे 40 मिनट बाद मैच होने वाला है सुबह 7:30 बजे। बात करूँ भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो आज तो बहुत ज़्यादा लेट नाइट के मैच कवर कर दिए हैं सारे प्रीमियर लीग के, जो भी लीग थे, जो चैंपियनशिप लीग, सॉरी प्रीमियर लीग नहीं, तो चैंपियनशिप के जितने भी नाइट मैचेस हैं मैंने कवर किए हैं और टीम ओपन दे रखी है। तो ये मॉर्निंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, शायद इस ग्रुप में मैं टीम ना दे पाऊँ। ये वैसे मेरी सारी टीम इधर ही आती है, अगर मेरे से हो सका तो मैं इस मैच की टीम ज़रूर दूंगा। लेकिन चलते हैं आगे, आपको मैं इतना समझा दूँ कि आपने क्या करना है क्या नहीं। इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट भाइयों, इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी लो रहनी चाहिए, ज़्यादा मत करना, नहीं तो यार गिरावट में आ सकते हो। तो बात करूँ मैं गोलकीपर की, तो ऊपर से मुझे गोलकीपर मिल रहा है जिसका नाम है डी का, ऊपर से मतलब सारे में एक में से चाहूँ कोई भी गोलकीपर ले सकता हूँ, लेकिन मैंने चुना ए पुटना को, जो कि आपको बता दूँ कभी भी भाई पुरानी गेम पे मत जाओ। 11 अक्टूबर को फ्लॉप हुआ था, जरूरी नहीं कि इस बार भी फ्लॉप होगा। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार जीतने के चांसेस हैं एसजे के। तो आरएसएलसी जो आप टीम देख रहे हैं, आई थिंक आज के मैच में गोल खतरनाक रोकने वाली, क्योंकि जितने शॉट ऑन टारगेट लगेंगे गोलकीपर का उसमें खतरनाक प्रॉफिट है। बात करूं मैं डिफेंडर की, तो टी थॉम्सन जैसे कि आप देख सकते हैं, टी थॉम्सन को आपने एक अच्छी तरह देख लिया। आपको एक चीज़ बताता हूँ, और नीचे से एम लोपेज, और नीचे से एक और प्लेयर जिसका नाम है एफ जंगब्रित। इन तीनों में से जो मेरा एक फेवरेट प्लेयर है वो तो है भाई एफ अंग्रेज, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। लोपेज एक नॉर्मल प्लेयर है, टी थॉम्सन चल ही नहीं रहा। मतलब मैंने एसजे का एक प्लेयर देखा कि भाई यार मेरे को लगा कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन 19 अक्टूबर निकल गया, 12 अक्टूबर निकल गया, लेकिन ये नहीं चल रहा। तो अब देखते हैं क्या करता है। लेकिन वहीं से अगर मैं बात करूँ लोपेज की, तो लोपेज ने तो दोनों मैचेस खेले ही नहीं, दोनों मैचेस लोपेज ने नहीं खेले, आपके सामने है ये। तो आई थिंक भाइयों मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला मैच भी खेलेगा या नहीं। अगर ये बाई चांस ये वाला मैच नहीं खेलता, आप ध्यान से सुन लो, तो आपने इसकी जगह चुनना है एक प्लेयर जिसका नाम है टी बेसन। तो आप इसके साथ जाना ज़रूर पक्का, लेकिन अभी के लिए लोपेज के रखो। आगे से बात करूँ एफ जंगरित की, जो कि भाई वो लिमिटेड मैचेस खेलता है और वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ एफ जंगरित इज़ द बेस्ट चॉइस। और आगे से बात करूँ एम सिल्वा की, एम सिल्वा को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैंने देखा ये प्लेयर लिमिटेड खेला है मैचेस आरएसएलसी की तरफ से। अगर आरएसएलसी का एक भी गोल होता है, ये प्लेयर हमें 40 से 50 पॉइंट देके जाएगा। अगर आरएसएलसी का गोल होता है, चांस तो नहीं है गोल होने के, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बात करूं मैं मिडफील्डर की, तो डी क्रिलिच एंड एम चैंग, दोनों आरएसएलसी के टॉप के मिडफील्डर, इनको टक्कर देना सबसे मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कि आरएसएलसी का गोल नहीं लग रहा, लेकिन डी क्रिलिच पे मुझे इतना भरोसा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आरएसएलसी भी जीत सकती है सिर्फ इसके बलबूते पे। मैंने देखा है कि पूरी टीम में जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है वही कुछ ना कुछ करता है, तो ये अपनी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग है। एम चैंग तो एक तरह साथी है नॉर्मल, जैसे असिस्ट करने में मदद करने वाला, लेकिन डी क्रिलिच इज़ द मेन रोल भाइयों। तो चलते हैं आगे, तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ जे यूएल को। तो जे यूएल इज़ एक नॉर्मल प्लेयर है, लेकिन यार हर टीम के आगे इसने कुछ ना कुछ पॉइंट्स दबा के मारे हुए हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो 14 सितंबर के बाद हर मैच में खतरनाक परफॉर्मेंस। वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक है, लेकिन यार सिलेक्शन इतनी कम है कि भाई वाइस कैप्टन रखो या ना रखो, प्लेयर गोल्डन प्लेयर है हमारे लिए। बात करूँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो सी बेयर्ड को अभी आप रखो, मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे कि सी बेयर्ड आपको पता है एक स्ट्रेट फॉरवर्डर होना ज़रूरी है, तो आरएसएलसी का ही मैंने ले लिया। लेकिन एस्पिनोजा को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि एस्पिनोजा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक है। गोल करता मतलब 80-90 चांस है इसके गोल करने का, 80-90%। और आगे से लूँगा सी वांडलोस्की को क्यों छोड़ते हो भाइयों? अब आपको लग रहा है कि भाई ये 5 मैच में नहीं चला तो आपको लग रहा है आज भी नहीं चलेगा, मत सोचो ऐसा, क्योंकि ये बंदा ऐसा है मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि 3-4 मैच से नहीं चल रहा तो लगातार 3-4 की पूर्ति एक मैच में ही कर देगा, और वो मैच कौन सा होगा वो नहीं कह सकते। मैं रिस्क ले रहा हूँ इसके साथ, देखते हैं क्या होता है। यार बात करूँ मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मेरा कैप्टन रहने वाला है सी एस्पिनोजा एंड वाइस कैप्टन रहने वाला है एफ जंगरित। तो ये मेरी टीम भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय, मिलते हैं सुबह भाइयों।